हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दी संघ के बारे में। तो देखिए, हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि बुद्धिज़्म के तीन पिलर्स हैं, कौन कौन से हैं, दी बुद्धा, दी धामा एंड दी संघा। बुद्धा एंड धामा के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज हम थर्ड पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है दी संघ। ठीक है, सो संघ में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। जो मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मॉन्क्स एंड नन्स, इनको भिक्षुज एंड श्रमणास भी कहा जाता है। राइट, भिक्षु क्या होते हैं? मतलब जो वहाँ पे, जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होता है, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह होती हैं या फिर जो बुद्धिज्म मॉनेस्ट्रीज वगैरह होती हैं बुद्धिस्ट की, वहाँ पे होते हैं मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, सो भिक्षुज एक्टेड एज द टॉर्च बियरर ऑफ द धामा। मतलब धामा क्या होता है? जो टीचिंग्स थी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, तो जो टीचिंग्स थी महात्मा बुद्ध की, उन पर प्रकाश डालते हैं भिक्षुस। राइट, नाउ द वर्शिपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज उपासक। जो इनकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें कहा जाता है उपासक। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको संघ के बारे में। और इसमें जो हम मेन चीज पढ़ते हैं ना, वो है काउंसिल्स के बारे में। कि देखिए, टोटल चार काउंसिल्स हुई हैं। काउंसिल्स का मतलब है कि एक मीटिंग होती है जिसमें सारे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो आते हैं, एंड काफी कुछ होता है। तो वो देखिए, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सो बुद्धिस्ट की जो, सॉरी, जो बुद्धिज्म है, इसके चार काउंसिल्स हो चुकी हैं अभी तक। तो बस हम उन्हीं चार काउंसिल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। एंड इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये नोट्स आपके एंटायर प्रिपरेशन में। राइट, सो काउंसिल्स की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा टोटल चार काउंसिल्स होती हैं। तो पहले हम फर्स्ट काउंसिल की बात करेंगे। काउंसिल मतलब मीटिंग्स। इसमें जो भी लर्न्ड पीपल होते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं, वो आते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ स्टडी वगैरह डिस्कशन करते हैं। राइट, सो फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में, बिफोर क्राइस्ट। तो आप समझ रहे हैं कितने साल पहले की बात हो रही है, 2600-2700 साल पहले की बात हो रही है। 2600-2700 नहीं, 2400-2500 साल पहले की बात हो रही है ना। तो लोकेशन को आप कैपिटल भी मान सकते हैं, मतलब जिस जगह पे ये काउंसिल हुई थी, ये है इसका मतलब। तो वो राजगृह में हुई थी काउंसिल, मीन्स इस जगह पे वो मीटिंग हुई थी। चेयरमैन, अब चेयरमैन कौन थे इस मीटिंग के? कोई हेड भी करता होगा जो हर चीज़ को देखेगा कि प्रॉपर डेकोरम में हो, है ना। तो वो थे महाकसप्पा। अब आप प्रोनंसिएशन देख लेना अपने हिसाब से। और इस टाइम जो राजा थे, जिन्होंने पेट्रोनेज दिया, सारा खर्चा वगैरह उठाया, तो वो थे अजातशत्रु। क्वेश्चन आता है फर्स्ट काउंसिल के टाइम में किसने पेट्रोनेज दी थी, ठीक है, पूरी काउंसिल को, तो वो थे अजातशत्रु। आउटकम क्या हुई? अब कोई मीटिंग होती है तो उसका रिजल्ट भी आता है ना। कैबिनेट मीटिंग होती है तो कुछ रिजल्ट भी आता है उसका, कि हाँ ये फैसले हुए। तो वैसे ही जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई तो क्या क्या फैसले हुए? इट डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इंटू टू पिटाकास। जो टीचिंग्स थी, जो उनकी सीख थी, उपदेश थे गौतम बुद्ध के, उनको दो पिटाकास में डिवाइड किया गया। एक है विनय पिटाका, एक है सुत्ता पिटाका। पिटाका, पिटाका आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। रिसाइटेड बाय, मतलब इनका दोहराते थे कौन गान करते थे। तो जो विनय पिटाका था, ये इसको रिसाइट किया जाता था बाय उपाली। और जो सुत्ता पिटाका है, इसको रिसाइट किया जाता था बाय अनंदा। ठीक है, तो आउटकम आपने पहले ही समझ ली कि जो बुद्धिज्म, सॉरी, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके टीचिंग्स को दो पिटाकास में डिवाइड किया गया, विनय पिटाका एंड सुत्ता पिटाका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड काउंसिल के बारे में। तो पहली काउंसिल 483 BC में हुई थी एंड सेकेंड काउंसिल 383 BC में हुई थी। जब हम BC में चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं, और AD में हम सीधा चलते हैं। नहीं पता है आपको डिफरेंस, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सेकेंड काउंसिल पूरे 100 साल के बाद हुई है, पहले नहीं, बाद में हुई है 383 BC में। कहाँ पे हुई है? वैशाली में हुई है। वैशाली कहाँ पे है? इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार राइट नाउ। चेयरमैन कौन थे? सभाका में चेयरमैन थे किंग, जिन्होंने पेट्रोनाइज किया इस काउंसिल को, वो थे कालाशोक। नाउ इसकी आउटकम क्या रही, इसका रिजल्ट क्या रहा? दैट द फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू, जो फॉलोअर्स थे उनको डिवाइड किया गया सतावीर मार्दिन्स एंड महासंखिकास में। ठीक है, इन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब देखिए, हमने सेकंड भी पढ़ लिया, अब हम थर्ड काउंसिल की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड काउंसिल है वो कब हुई थी? वो हुई थी 250 BC में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत टिसा थे। किंग कौन थे? अशोक राजा थे, जिन्होंने पेट्रोनाइज दी थी, इसको पेट्रोनाइज किया था। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटाका वॉज कोडेड इन पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में जो त्रिपिटाकाज हैं, इसका तीसरा पार्ट
एनकोड किया गया। पहला कौन सा था, विनय पिटाका, सुता पिटाका, ये दो जो है फर्स्ट काउंसिल में थे। तीसरा पार्ट जो है वो पाली लैंग्वेज में थर्ड काउंसिल में किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ काउंसिल के बारे में। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको प्राइजेस जो नोट्स हैं इनके मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं इन केस यू वांट टू परचेज। अदरवाइज मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट अगर आप कॉलेज में हैं, अभी पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में नोट्स बनाना तो एक तरह से नामुमकिन सा होता है, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फाइन, हम बात कर रहे थे फोर्थ काउंसिल के बारे में, जो कि कब हुई है, 72 AD। हम अब AD तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चेयरमैन कौन थे, वासुमित्रा जो थे वो चेयरमैन थे। वाइस चेयरमैन कौन थे, अश्वघोष थे। और राजा कौन थे, कनिष्क। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, चेयरमैन आते हैं, वाइस चेयरमैन आते हैं और किंग आते हैं। ठीक है, सो इसकी आउटकम क्या रही, दैट इट डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायना एंड हिनायना सेक्ट्स। इसमें क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था उसको दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से सेक्ट्स थे, वो महायना एंड हिनायना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। एंड इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है एंड देन डायरेक्टली आप मेरे अकाउंट पर पहुँच जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कभी मुझे फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने नोट्स बनाए हैं, आपको जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया है। अगर मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया हो जो भी मैंने समझाया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो हमने तीन पिलर्स जो थे बुद्धिज्म के वो तीनों पढ़ लिए हैं, बट अभी भी कुछ बचता है इसमें पढ़ने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।